खबर सलोन से है, जहां पर क्षेत्र के काली तिवारी का पूर्वा मजरे उमरी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का टूटी हुई चारपाई पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। जिस समय अधेड़ का शव पाया गया, उस समय घर में सिर्फ अधेड़ की दूसरी पत्नी और बच्चे मौजूद थे। परिजनों ने गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई है। मृतक के गले में रस्सी के निशान देखे गए हैं। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें शव को देखने नहीं दिया और आनन फानन में शव को पीएम के लिए भेज दिया। काली तिवारी का पूर्वा मजरे उमरी गांव में निवासी नरसिंह यादव 45 वर्षीय पुत्र लखन यादव का संदिग्ध परिस्थितियों में घर में टूटी चारपाई पर शव पाया गया है। मृतक के गले में रस्सी के काले निशान भी पाए गए हैं। शव को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी गला घोटकर हत्या की गई है। ये जो मृतक हैं, उनकी आप क्या हैं? पत्नी। तो इनकी कैसे मौत हुई है? सर, इनकी मौत पता नहीं, हमको जानकारी नहीं, लेकिन रात में 10:30 बजे ईंटा गुम्मा चल रहा था, इधर भाग के आए तो लड़के की आवाज दिए, बोले कि का घाती ईंटा गुम्मा चल रहा है, आप लोग बच के रहना। ईंट पत्थर कौन चलाया था? सर, जानकारी नहीं है कौन चलाया। इनकी कोई दूसरी पत्नी भी है क्या? जी सर। क्या नाम है उनका? विमला। उनके साथ रहते थे? जी सर, उन्हीं के साथ रहते थे। आपके साथ नहीं रहते थे? जी सर। तो उनसे इनके संबंध कैसे थे? सर, ट्रैक्टर चलाते थे, वहीं से संबंध इनका हो गया था, तो ले आकर रख लिए। उनसे लड़ाई झगड़ा होता था? सर हाँ, डेली लड़ाई झगड़ा करते थे दोनों लोग। अच्छा, इनकी कैसे मौत हुई, किसी के ऊपर शक है? सर मान चलो शक तो नहीं है, दोनों लोग झगड़ रहे थे, बोल रहे थे कि तुमको मारेंगे पीटेंगे। हाँ। औरत हाँ। कैसे जानकारी कैसे हुई आपको कि ये खत्म हो गए? सर हमको जानकारी नहीं, हमारी लड़के लेटरिंग गई थी, हम उतने समय लेटे थे, लेटरिंग होकर आए तो बताए कि मम्मी नहीं है, खत्म हो चुके हैं। तो हमारी लड़की, हमारा लड़का और ये दादा की लड़की, दोनों तीनों लोग मिलकर उनको दूसरी चारपाई पे किए। कहाँ पड़े थे वो? यही दरवाजे पड़े थे सर, चारपाई पे। जी सर। बेटा क्या नाम है आपका? बेबी। पिता क्या नाम है? जयराम। जो आज खत्म हो गए हैं, इन कौन है आप? चाचा के लड़के भाई। वो चाचा के भाई है जो खत्म हो गए? क्या मामला है, कैसे खत्म हो गए, कुछ जानकारी है बता सकती हो? जैसे नहीं, उनके हाथ रोज लड़ाई होती थी। रोज लड़ाई होती थी, कैसे मौत हुई कुछ बता दो जानकारी। मतलब गले में निशान पड़ा हुआ था, सब लोग बोले थे मर्डर है। गले में निशान है जी। किस चीज का निशान है कुछ बता सकती हो? जंजीर का। जंजीर का निशान है। और चोट वोट के कहीं शरीर में निशान देखे हो? यहाँ पे खाली ब्लड लगा हुआ था, बाकी कुछ नहीं था। अच्छा, ब्लड लगा हुआ। ऐसा अभी बता रहे थे कि आपके ही परिवार के लोग की पुलिस कुछ अभद्रता की है, क्या अभद्रता की है? वो मतलब कोई बोलता था कि आराम, मतलब खोल के दिखा दे, तो दिखाते नहीं, तुरंत चिल्लाने लगते थे। किसको डांटते थे आप लोगों को? मतलब जो कोई भी बोलता था उसको। अच्छा, तो जैसा तोड़ देते, कम से कम घर के मन ही सभी देखे थे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। अभी जो मृतक हैं उनकी दो पत्नियाँ हैं, वो लोग कहाँ पे हैं? वो लोग तो वहीं पे। कहाँ पे? जो मतलब मरवाई है वो तो वहीं पे है, पोस्टमार्टम है। अच्छा, किसके साथ ये रहते थे? जो भगा के लाए हैं। अच्छा, तो आरोप उसी पे है क्या कि उसी ने मरवा डाला? जी, ये आरोप है परिवार का है जी। क्योंकि बोलती भी ना थे, सबको बोलती थी कि मरवा दे एक एक करके। कब, किस किस लिए ऐसा बोलती, कुछ पता है? मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा होती थी, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, तो यही बोलती थी कि हम सबको एक एक करके मरवा देंगे। रात में कोई विवाद हुआ था क्या? जी सर, हुआ। क्या हुआ था? इसके घर में लड़ाई झगड़ा होती है रोज। किस बात को लेके? वो इन दोनों पराने में, कोई नहीं जाता रात में उन लोगों की तरफ। अच्छा, मतलब कोई पता नहीं, जिस खाट पे लेटे थे वो टूटा हुआ पाया गया? वो पहले से टूटा था। पहले से टूटा था वो, मतलब वो नहीं था। तो रात में जो मृतक हैं जो खत्म हो गए, उनके साथ कोई लेटता था कि वो अकेले लेटते थे? अकेले उनकी घरवाली रहती थी जो भगा के लाए, दोनों बच्चे थे, ये वाली थी वो लड़का था। बच्चे कहाँ लेटते थे? वहीं पे। अच्छा, उनको पता नहीं चला कुछ? पता नहीं, मतलब सुबह पता चला सबको। सुबह किसने देखा, क्या पता चला? मतलब अपने लड़के को भेजी हमसे, तो उसके बाद वो हमसे बोला दीदी मम्मी बुला रही है, तो हम भी नहीं गए, हम नहीं गए, हम कहें हमें नहीं जाना। फिर उसके बाद हम जाते रहे उधर, तो एक लोग भी लोग उधर से आवत रहे हैं, तो मतलब रोवत रहे हैं, हमका सबका देख के। अब एक बात बताएं, कहें मतलब बताए नहीं कहें का उस दिन गाँव क्यों रहे हैं, कहें हमका लगत खत्म हो गए हैं। तो फिर मतलब खटिया टूटी हुई, तो हम लोग दूसरे खटपे ला के लौटा दिए। खटिया पहले से टूटी थी ना? जी हाँ, खटिया पहले से टूटी हुई थी। मतलब कुल मिला के आपका कहना, परिवार के लोगों का कहना कि उनकी हत्या हो गई। किसने मारा ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि गले में निशान पड़ा हुआ, गला सूझा हुआ है। अच्छा, इसीलिए, क्योंकि जो हम लोग देखे थे ना सर, तो पता है शरीर पूरी ऐसे थी, खाली पैर तिरछा था, वैसा पैर तिरछा था जी, बाकी पूरी शरीर सीधी थी। दादी क्या नाम है? माधुरी। क्या है मृतक की, आप जो खत्म हो गए आपकी कौन है? लड़का। क्या मामला है, कैसे खत्म हो गए? हत्या किसने की है? अब हम कहाँ बताए कोई का,
अच्छा, जानकारी नहीं है? नहीं। कैसे पता चला कि उनकी मौत हो गई? अरे सब देख ही नहीं, सब पुलिस वाले। उनकी लड़की जो मतलब पहले वाली औरत थी वही पुलिस वालों ने देखा है? हाँ। तो क्या हाल से बांध ली नहीं? अच्छा, देखने नहीं दिया? नहीं। क्यों? अब का भगवान जाने, हाल से बांध के सब रिश्तेदार कहा, सब कहा देख पाए, सब रिश्तेदार जो आकत रहे कहाँ रुके हैं, देखने नहीं दिया? नहीं। बदतमीजी से बोल रहे थे तो बदतमीजी भी पुलिस वालों ने किया है, अभद्रता की है पुलिस वालों ने, बदतमीजी की है आप लोगों से? अरे भाई डांटत रहे, जो कहा था रुक जाता है रिश्तेदार आ जाए तो डांटत रहे। क्या कहे? कहें कि क्या हम लोग यहाँ, हाँ कहीं बाद में जब आई तो देखे। कौन है भाई, कैसे मौत हुई इनकी? अब ये चीज तो हमको पता नहीं, ये चीज उनकी औरत बता सकती है जो दूसरी औरत लाए हैं। अच्छा, कैसे मिली थी इनकी लाश? इनकी लाश उनकी जो यही औरत की लड़की है वो सुबह पाई थी, वो लेटरिन सुबह जा रही थी तो उसने देखी थी कि उनकी लाश ऐसे गुटी मुटी वो सार के नीचे पड़ी थी। इनसे बयान लीजिए, ये इनकी लड़की है। ये क्या कार्रवाई क्या कर रही है पुलिस? सर कागज, हम लेटरिन जा रहे थे तो इनकी लाश सही थी, रो रहे थे तो हम लौट के आए तो अपने मम्मी से बताया तो बुआ लोग को बुला के लेके आए सब लोग। अच्छा, तो उनके फिर हम हमारे भाई और एक लोग और बुआ हैं, तीनों लोग गए तो उनकी लाश खटिया पर लागे करे, टूटी वाली खटिया पर थी, सुन्नी वाली खटिया पर करे। सर क्या चाहती हैं आप लोग? सर लोग कागज, हमारे लोग को जान को खतरा है। अच्छा, किसी पे शक है क्या, किस्ते मारा है? सर कागज, इनके यहाँ लड़ाई होती थी, बहुत लोग आते थे। रायबरेली से आशीष कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।